मेरी प्रिपरेशन में एक्चुअली थोड़ा मुझे टाइम लग गया, तो 2021 में मैंने मेंस दिया था, बट 2022 में मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं निकला, जो कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। तो उस समय मैं अपने रूम में बैठ के रो रहा था, मम्मी ऑफिस से आई थी और मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी क्या करूँ, मैं जॉब देखूँ क्या दूसरी करके। तो उस समय मम्मी ने मुझे बोला, बेटा जब तक मैं जॉब में हूँ ना, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है करके, तुम अपना करो। तो फिर वो जो बूस्ट मिल गया मुझे, कि ऐसा था कि मम्मी पापा आपके पूरे पूरे 100% आपके साथ, कीजिए यहाँ की लाइब्रेरीज देख लीजिए, वो तो अनकम्पेरेबल है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रायपुर में ही रहूँगा, और मैम इसका ये लाइब्रेरी मेरे को इतनी पसंद थी कि वो मेरा फर्स्ट होम हो गया था। मैं रात को बस सोने के लिए आया करता था घर में, 10 से 8 बस रहता था, और लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से लेकर रात के ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही रहता था। तो कि शेप में तो डिपेंड नहीं करता, मैंने गलत ही आंसर दिया था, मैंने बोला कि सर स्क्वायर में ज्यादा होता है, सर्कल में कम होता है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपने ऑफिस की टेबल किस शेप में डिजाइन करेंगे, तो मैंने बोला सर्कल करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, तो मैंने बोला कि मैं स्क्वायर करूंगा। तो फिर उन्होंने उसको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में लेके उन्होंने बोला, फिर आपके ऑफिस में बहुत फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अब उसको मैनेज कैसे करेंगे। फिर सब लोग वहां पे हंसने लग गए थे, तो वो थोड़ा लाइटर थोड़ा मूड हो गया था वहां पे, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा मैम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आए थे, मुझे 6 क्वेश्चन पर मैंने स्ट्रेट अवे नो सर नो सर नो सर मैं बोलता गया था। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो था वो मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड था, बट मैंने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली थी इंटरव्यू की, मेरी ऑलरेडी ड्रिलिंग हो चुकी थी, मैंने अराउंड 20 मॉक दे चुकी थी, तो मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल था। और मैं वहां पे बहुत कामली बैठा हुआ था कि जो पॉलिटिक्स है वो ही अपनी गार्डियन होती है किसी नेशन का, मतलब आपकी पॉलिटिक्स सही है तो आपकी इकोनॉमिक्स, आपका हर चीज जो है उसमें डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है पॉलिटी का। तो देश भर में यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। यूपीएससी के रिजल्ट में छत्तीसगढ़ के कुछ कुल मिलाकर 8 अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो इस वक्त हमारे साथ है अभिषेक। अभिषेक ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और उनकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 452वां उनका रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। कौन से सर्विसेज मिलने हैं इसमें अभी 1 हफ्ते का समय है, पर फिलहाल चूंकि रिजल्ट आया है और देश के टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से एक है, जिसको क्रैक करना अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। तो इन उपलब्धियों के साथ इस वक्त हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं रायपुर से। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की इस स्क्रीन में आपका। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी अभिषेक, क्या रहा, कैसा रहा ये सफर, कैसे शुरुआत हुई यूपीएससी के पूरे तैयारियों की? जी मैम, मेरा ग्रेजुएशन 2016 में NIT रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने गेट दिया, गेट क्वालिफाई करके मुझे BPCL जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें जॉब लग गई थी। तो मैंने वहां पे 2 साल जॉब किया, बट इस दौरान मुझे जो है मैम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के काफी नजदीकी से मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें काफी नजदीकियों से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जानने का मौका मिला मुझे भंडारा महाराष्ट्र में। तो उसके बाद मेरा एक माइंड जो है मेरा थोड़ा इस डायरेक्शन में गया कि हाँ, ये भी एक अच्छी डायनेमिक प्रोफाइल जॉब है जिसको आप कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कंसल्ट वगैरह किया, देन फाइनली आई क्विट माय जॉब एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। थोड़ा प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम हो गया, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था, और सबकी दुआओं से ये फाइनली 452 रैंक मिल गई मुझे। बिल्कुल, सबके दुआओं से ही सारी चीजें होती हैं। तो अभिषेक, फैमिली का बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, फैमिली के बारे में, क्योंकि फैमिली हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम होता है। तो थोड़ा हम आपके घर परिवार और माहौल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ये माहौल ही व्यक्ति को बनाता है और बिगाड़ भी देता है। तो घर का माहौल कैसा है पढ़ाई को लेके? मदर फादर को जब ये पता चला कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के, तो उनका रिएक्शन क्या था? जी मैम, मदर फादर तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए, मतलब वो बोले आपको जैसा करना है आप करिए करके। मेरी प्रिपरेशन में एक्चुअली थोड़ा मुझे टाइम लग गया, तो 2021 में मैंने मेंस दिया था, बट 2022 में मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं निकला, जो कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। तो उस समय मैं अपने रूम में बैठ के रो रहा था, मम्मी ऑफिस से आई थी और मैंने मम्मी को पूछा
कि मम्मी क्या करूं, मैं जॉब देखूं क्या दूसरी करके। तो उस समय मम्मी ने मुझे बोला, बेटा जब तक मैं जॉब में हूं ना, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है करके, तुम अपना करो। तो फिर वो जो बूस्ट मिल गया मुझे, कि ऐसा था कि मम्मी पापा आपके पूरे पूरे 100% आपके साथ, तो वो जो मेरे को बूस्ट अप मिला, तो फिर उसके बाद मैंने अपने जो एफर्ट्स थे पूरे कंसिस्टेंटली उसको मैंने डाला। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। मैं लाइब्रेरी जाया करता था, लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था वहां पे। तो फिर फाइनली जो एफर्ट्स डाले उसका नतीजा था कि मुझे आज ये रैंक तो मिली है। अच्छा अब अभिषेक, जब आपकी बात आती है तो आपकी, आपने जैसे अभी लाइब्रेरी का जिक्र किया, आपकी लाइफ में रायपुर का ये जो तक्षशिला लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, इनका बड़ा योगदान रहा। अब घंटों आप वहां पढ़ते रहे, तो क्या आपकी पूरी प्रिपरेशन यहीं पर हुई है? क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि यूपीएससी जैसे बड़ा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ले, अमूमन बी टाउन, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर कह लीजिए, दुर्ग भिलाई कह लीजिए, बिलासपुर कह लीजिए, यहाँ के बच्चे जो है वो हमेशा दिल्ली का रुख करते हैं, वहां का नेहरू नगर बड़ा फेमस है इन चीजों के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन क्या पूरी इन्हीं लाइब्रेरीज में गुजरी है शहर के, क्या आपने भी कभी कोई रुख नेहरू नगर का भी किया था? जी वैसे तो मैम, मैंने 1 साल बस कोचिंग की थी दिल्ली में, फिर उसके बाद मैं रायपुर में आ गया। जब मैंने देखा यहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, मतलब ऐसी आपको कहीं मिलेगी नहीं। आप दिल्ली की लाइब्रेरी देख लीजिए और यहाँ की लाइब्रेरीज देख लीजिए, वो तो अनकम्पेरेबल है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रायपुर में ही रहूंगा। और मैम इसका ये लाइब्रेरी मेरे को इतनी पसंद थी कि वो मेरा फर्स्ट होम हो गया था। मैं रात को बस सोने के लिए आया करता था घर में, 10 से 8 बस रहता था, और लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे से लेकर रात के ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही रहता था। तो वो मेरा फर्स्ट होम था और मेरा घर मेरा सेकेंड होम बन गया था मैं, ऐसा है। तो मैम इसमें जो लाइब्रेरी का जो योगदान था वो तो बहुत ज्यादा था मैम रायपुर में। अभिषेक, अब जब लाइब्रेरी की बात आ रही है, पढ़ाई की बात आ रही है, तो एग्जाम से जुड़े प्रश्न भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। कौन सा वो क्वेश्चन था इंटरव्यू का जिसमें लगा कि वाह हो ही जाएगा? क्योंकि हम जब बैठते हैं इंटरव्यू में तो हमको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो पता होता ही है कि होना है नहीं होना है क्या है, तो किस तरीके के प्रश्न जो है वो इंटरव्यूअर ने आप लोग आपसे पूछे थे? जी मैम, मेरा थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा अनयूजुअल हो गया था, तो मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे इसमें एक्चुअली ये हो गया था कि 60% जो क्वेश्चन थे मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आ गए थे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ गए थे, जो मैंने उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि 8 साल हो गए थे मुझे उस फील्ड को छोड़े। तो मैंने कभी एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि उस फील्ड से इतना डीपर में आ जाएगा। तो वो एक के बाद एक चल ही रहा था क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने पूछा कि आपका फ्रिक्शन किस में ज्यादा होता है, सर्कल में ज्यादा होता है कि स्क्वायर में ज्यादा होता है। तो चूंकि शेप में तो डिपेंड नहीं करता, मैंने गलत ही आंसर दिया था। मैंने बोला कि सर स्क्वायर में ज्यादा होता है, सर्कल में कम होता है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपने ऑफिस की टेबल किस शेप में डिजाइन करेंगे। तो मैंने बोला सर्कल करेंगे कि स्क्वायर करेंगे। तो मैंने बोला कि मैं स्क्वायर करूंगा। तो फिर उन्होंने उसको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में लेके उन्होंने बोला फिर आपके ऑफिस में बहुत फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अब उसको मैनेज कैसे करेंगे। फिर सब लोग वहां पे हंसने लग गए थे, तो वो थोड़ा लाइटर थोड़ा मूड हो गया था वहां पे, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा मैम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आए थे मुझे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो अपने डिस्ट्रिक्ट है, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ के, वो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये सबसे रिलेटेड मैम क्वेश्चन आए थे जी। क्या इंटरव्यूज को लेके, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेजुएशन के थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है वो सामान्य परिप्रेक्ष्य को लेके थे, तो जो प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यूज के लिए, अब चूंकि आप तो पास कर चुके हैं, आप खुद भी इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि 60% जो है वो अनयूजुअल था, तो जो पूरा गेम हुआ है वो 40% जी पे हुआ है, तो किस तरीके की प्रिपरेशन और माइंडसेट रखना चाहिए लोगों को प्रिपरेशन करते हुए? जी मैम, मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मुझे याद है 5 से 6 क्वेश्चन को मैंने स्ट्रेट अवे नो सर नो सर नो सर मैं बोलता गया था। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो था वो मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड था, बट मैंने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली थी इंटरव्यू की, मेरी ऑलरेडी ड्रिलिंग हो चुकी थी, मैंने अराउंड 20 तो मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल था, और मैं वहां पे बहुत कामली बैठा हुआ था। तो
तो मुझे ऐसा लगता है शायद तक वो मेरे पर्सनालिटी का जो एस्पेक्ट होगा, जो कामनेस है, तो वो शायद उनको पसंद आ गया और मेरे ख्याल से उस बेसिस पे मुझे मार्क्स मिला है। अगर आप मेरे को मैम पूछेंगे कि नॉलेज के बेसिस पे आपको मार्क्स मिला है क्या, तो मैम टेक्निकल क्वेश्चंस थे, मैंने तो स्ट्रेट अवे नो बोल दिया था। तो मुझे लगता है मैम पर्सनैलिटी जो उन्होंने देख रहे थे मैम, उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है मुझे मार्क्स मिले हैं। जी मैम, तो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएएस बनने के लिए या यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमको हर एस्पेक्ट में सोचना पड़ता है। पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों से लेकर यूपीएससी तक या बहुत सारे ऐसे उस पे लगातार ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पर्चे लीक होते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो परेशान होते हैं चीजों को लेकर। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, और क्या ये वाकई उसी तरीके का है जिस तरीके का हमको दिखता है? कितना क्या इम्पैक्ट इसका होता है? जी मैम, अगर पर्चा लीक होता है तो बच्चों का जो टाइम है, एनर्जी है मैम, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और फिर एक फेयरनेस का भी जो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है सिस्टम पे, तो मैम वो एक थोड़ा दिक्कत है मैम। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली जो बिल वगैरह लेके आया था मैम, वो उसके प्रोविजंस काफी स्ट्रिंजेंट है कि अगर आप पर्चे लीक वगैरह में आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर काफी सख्त कार्रवाई होगी, आपको जेल टर्म भी होगा। तो मुझे लगता है मैम वो चीज हो गया टेक्नोलॉजी का यूज करके मैम, जैसे कि वीडियोग्राफी वगैरह जो कि आजकल यूज होने स्टार्ट हो चुकी है मैम, वो सबसे मुझे लगता है काफी हद तक इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है मैम। तो वहीं पर लगातार अब पॉलिटिकल सिनारियो, लोकसभा चुनाव का समय जो है वो चल रहा है। नॉर्मल अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है या जिस पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं किताबों में, कितना अलग है? और ये जो आज का डेट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो ही अपनी गार्डियन होती है किसी नेशन का। मतलब आपकी पॉलिटिक्स सही है तो आपकी इकोनॉमिक्स, आपका हर चीज जो है उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पॉलिटी का। तो मैम मुझे यही लगता है अभी जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मैम इसमें अपन को यूथ को सभी को अपने वोटिंग राइट्स का यूज करना चाहिए मैम। और फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जिसको मैंडेट मिलेगा मैम, वो बेस्ट होगा अपने इंडिया के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको एक मौका मिले इस पॉलिटिक्स को थोड़ा सा सुधारने का, थोड़ा सा क्लीन करने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? जी मैम, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दो जो इश्यूज काफी ज्यादा जो अभी चल रहे हैं, जैसे कि एक तो मैम फंडिंग रिलेटेड जो इशू चल रहा है अभी जो है इलेक्ट्रल उसका बॉन्ड। मैम, उसमें ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह थोड़ी लाई जा सकती है। और जो अपने इलेक्शन के जो स्पेंडिंग होती है मैम, उसमें जो लिमिट है उसका प्रॉपर वे में अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो वो काफी अच्छा मतलब रिजल्ट दे सकती है मैम। तो जो नए आने वाले अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा के लिए अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं और लगातार कई सालों से कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी मैम, उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि जब जिस दिन से आप ठान लेते हैं कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है, तो सिर्फ आप प्रिपरेशन नहीं करते, आपके मदर फादर आपकी पूरी फैमिली जो होती है वो उस प्रिपरेशन मोड में आ जाती है। तो आप जो भी अपना एक्शन ले वो सब चीज को सोच के ले, मतलब ये ना हो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रेशर में कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन के नाम पे आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालिए, या आप चीज आप अपनी जिम्मेदारियों को जरूर से समझिए, कंसिस्टेंट आप एफर्ट डालिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहिए। तो मैम इस मुझे ऐसा लगता है अगर ये करने से तो कभी ना कभी मैम एफर्ट जो होते हैं वो फिर रिजल्ट्स देते ही हैं। तो बिल्कुल, एफर्ट्स जो है वो कभी ना कभी तो रिजल्ट्स देते ही हैं, ये कहना है। देते हालिया में आए यूपीएससी के रिजल्ट में शामिल पास हो चुके हैं, अब जल्द ही पोस्टिंग की भी तैयारी है अभिषेक जी का। अभिषेक जी छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी चीज भूल गए। अभिषेक जी छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम छत्तीसगढ़ में तो मैं पूरा पला बड़ा हूँ, पूरा कल्चर संस्कृति यहाँ की बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैम छत्तीसगढ़ी भी कोशिश करता हूँ कि मैं बोल सकूँ थोड़ा सा, यहाँ के जो मैम खान पान है पूरा वो सब मुझे बहुत पसंद है, फराह वगैरह हो गया मम्मी सब बना के बहुत अच्छा लगता है मुझे वो।
और मैम यहाँ के जो डांस है, अपनी यहाँ की जो संस्कृति है, जो ट्राइबल संस्कृति है मैम, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम। मैं बचपने में एक संस्था से जुड़ा था, अंकुर नाम की संस्था थी, तो मुझे आज भी याद है हम लोग उसमें पंथी डांस किया करते थे, पंथी डांस, ददरिया डांस किया करते थे। तो मैम उससे तो मतलब ऐसा है कि करेक्शन बहुत जुड़ा हुआ है मैम छत्तीसगढ़ से। और मैम अभी अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो अब जस गीत, अभी हम महामाया मंदिर गए थे मैम, वहां पे जस गीत चल रहा था, उसमें जो रस होता है मैम वो तो बहुत मजा आ जाता है मैम, वो सबको सुन के भक्ति में जो होता है वो। तो मैम बिल्कुल, छत्तीसगढ़ तो जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता में ये रचे बसे। अभिषेक जी से हमारी बात हुई। अभिषेक जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। उम्मीद जी करते हैं कि देश को आपके रूप में एक बहुत अच्छा दिशा दिखाने वाला अधिकारी मिले। लोकमत की स्क्रीन आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो ये थी हमारी बातचीत अभिषेक जी से, जिन्होंने अभी अभी हालिया में यूपीएससी के एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इंटरव्यू क्रैक किया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि देश की दिशा और दशा ये दोनों ही अधिकारियों पे बहुत हद तक निर्भर करती है, तो कहाँ और कैसे चलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।